5G को हम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहा जा सकता है, जो वर्तमान में चल रही 4G LTE स्टैंडर्ड से भी ज्यादा फास्ट होने वाला है। उसी तरह जैसे 3G की जगह पर 4G आया है, उसी तरह से 4G के स्थान पर पांचवी पीढ़ी का नेटवर्क 5G के तौर पर सामने आया है। इसे आप एक नई पीढ़ी का स्टैंडर्ड कह सकते हैं। अगर हम 4G LTE तकनीकी की चर्चा करें या उस तकनीकी पर नजर डालें, तो आपको बता देते हैं कि यह नया नेटवर्क यानी 5G इससे भी कहीं तेज यानी फास्ट होने वाला है। इसके माध्यम से आप अपनी कार में, स्मार्टफोन आदि में या अपने घर आदि में ही ऐसा भी कह सकते हैं कि कहीं भी किसी भी स्थान पर फास्टर इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं, वो भी सुपर फास्ट स्पीड के साथ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यह कितना तेज होने वाला है। आने वाले भविष्य में आपको देखने को मिलने वाला है दुनिया भर में सभी स्मार्टफोन्स और अन्य डिवाइस जिन पर इंटरनेट काम करता है, आपको 4G LTE तकनीकी के स्थान पर 5G से लैस होकर मिलने वाले हैं। आज जिस तरह से 4G LTE नेटवर्क काम कर रहा है, आने वाले समय में यह स्थान 5G लेने वाला है। 5G को लेकर सभी उत्साहित है और ऐसा माना जा रहा है कि 4G के मुकाबले यह काफी तेज होने वाला है। अगर हम 4G की चर्चा करें तो यह आपको 100 मेगाबाइट यानी 100 मेगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड देने में सक्षम है। वही 5G को लेकर कहा जा रहा है कि यह 10 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड यानी 10 गीगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड के साथ आने वाला है। इसका मतलब है कि 4G नेटवर्क के मुकाबले 5G नेटवर्क 100 गुना ज्यादा तेज होने वाला है। यह अभी तक की सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड होने वाली है। उदाहरण के लिए अगर हमें देखें तो अभी वर्तमान में 4G और 3G नेटवर्क पर आप एक 2.5 घंटे की फिल्म को क्रमशः 6 मिनट और 26 घंटे में डाउनलोड कर पाते हैं, हालांकि 5G पर आप इस मूवी को मात्र 36 सेकंड में ही डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि इतना ही नहीं है कि आपको 5G में बेहतर स्पीड ही मिलने वाले है, इसके अलावा आपको इस नेटवर्क पर लो लेटेंसी भी मिलने वाली है। इसका मतलब है कि आपका लोड टाइम काफी तेज हो जाने वाला है, साथ ही रेस्पॉन्स भी काफी तेज हो जाने वाला है। अगर हम USA की चर्चा करें तो आपको बता देते हैं कि वेरिजोन को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि वह एक नॉन स्टैंडर्ड 5G वर्जन को 2018 के दूसरे चरण में ला चुका है और इसका इस्तेमाल भी होम इंटरनेट के तौर पर लगभग 5 अलग अलग शहरों में कर रहा है। हालांकि जो डिवाइस 5G को सपोर्ट करते हैं, वह इसके साथ कनेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा भी है कि यह फोन्स के लिए है ही नहीं, लिए भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है और क्वालकॉम को लेकर भी ऐसा ही कहा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कई स्मार्टफोन्स के लिए 2019 में यह सेवा आ जाने वाली है, लेकिन अभी भी इस सेवा को आने में कुछ समय लग सकता है। असल में 2020 तक ही इस सेवा को हम बहुत से देशों में देखने वाले हैं।